First of all, very good morning to all of you, to all the kids. I am Supriya Singh, और मैं जो है आज आपको साइंस पढ़ाने वाली हूँ. हम पहले भी एक बार मिल चुके हैं, राइट? और ये दूसरी बार हम मिल रहे हैं और डेफिनेटली आगे मिलते रहेंगे. और आज का जो सब्जेक्ट है, जैसे कि आपको पता है, साइंस है. और चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 4, द्रव्य का मापन. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत, मतलब बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इसकी जो 90% चीजें है वो तो आप खुद ही जानते हैं. इतना इजी ये चैप्टर है, राइट? तो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में आज पढ़ते हैं हम लोग, द्रव्य का मापन. ओके, नेक्स्ट जो है, कौन से टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं? तो सबसे पहले तो जो टॉपिक है अपना सेम द्रव्य का मापन. तो द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य क्या है, थोड़े एग्जांपल्स आप भी मुझे दोगे, क्योंकि ये हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं. और दूसरी चीज है स्थिर अनुपात का नियम. ठीक है, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है बच्चों, द्रव्य किसे कहते हैं. तो आप मेरी बातें जो है वो एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि लास्ट में हम फन एक्टिविटीज करेंगे. मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप क्वेश्चन पूछोगे और हम एक दूसरे को आंसर करेंगे, राइट? अब जो है द्रव्य किसे कहते हैं, तो द्रव्य या हर एक कोई चीज जो दिखाई दे रही है या जो दिखाई नहीं भी दे रही है, वो है अणुओं से बना है. अणु अगर हम और छोटा करें तो हर एक अणु परमाणुओं से बना है. परमाणु जो है उससे आप छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि परमाणु जो है वो द्रव्य की सबसे छोटी इकाई है. जैसे कि आप कोई बड़ा सा ब्रेड का टुकड़ा लो, ठीक है, उसे आप धीरे 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 कट करते जाओ, फिर एक ऐसे सिचुएशन आएगी जिसे आप नहीं कट कर पाओगे, इन द सेंस कि वो सबसे छोटी इकाई होगी, उससे ज्यादा आप कट ही नहीं कर पाओगे. तो जो द्रव्य है वो उसकी सबसे छोटी इकाई कौन है बच्चों, परमाणु. परमाणु जो है वो सबसे छोटी इकाई है. अब अगर हम देखें कि द्रव्य, फिर आप इस सब चीजों से क्या सीखते हो, आप ये सीखते हो कि द्रव्य यानी पदार्थ, बराबर. तो पदार्थ या द्रव्य वह चीज है या वह है जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है. अब द्रव्यमान आप जानते हो, द्रव्यमान यानी कि किसी भी चीज का वजन. जैसे कि आपको सामने डायग्राम दिख रहा है, बराबर है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कितनी सारी चीजें आपको दिख रही है. जैसे यहाँ पे भालू है, एक सेकेंड मैं आपको हाईलाइट करती हूँ इसको. ओके, ये जो है आप भालू देख रहे हो, फिर यहाँ पे स्टैचू देख रहे हो, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें, ये सोलर पैनल है, ये फिश है, पानी है बहुत जगह पे आप देख सकते हो, और बाकी जगह पे लैंड है आप देख सकते हो, विमान है. तो ये सारी चीजें जो स्थान घेरती हैं, यानी कि जो जगह लेती हैं, और जिनमें द्रव्यमान होता है, यानी कि जिनमें वजन होता है, बराबर. तो वो चीज होता है द्रव्य, ठीक है. अब द्रव्य का अगर हम वर्गीकरण करें, तो हम देखेंगे कि यह दो चीजों में डिवाइडेड है. भौतिक, इसका एक भौतिक वर्गीकरण हो सकता है और इसका एक रासायनिक वर्गीकरण हो सकता है. जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा है, भौतिक वर्गीकरण फिर से तीन चीजों में डिवाइडेड है, जैसे कि ठोस, तरल और गैस. आप जब सुबह उठते हो, अब ठोस, तरल और गैस को हम किस तरह से जो है समझ सकते हैं, और ये आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हो. जैसे कि आप सुबह उठते हो और समझो आपने नाश्ते में क्या खाया, बिस्किट, तो वो किसका रूप है, ठोस है, तरल है या गैस है? वो ठोस है. फिर आप दूध पीते हो, करेक्ट, दूध बहुत अच्छी चीज होती है, पीना चाहिए. तो दूध पीते हो तो वो किस में आएगा, ठोस में आएगा, तरल में आएगा या गैस में आएगा, राइट? वो आएगा तरल में या लिक्विड्स में आएगा. और नेक्स्ट जो है गैस, आप अपने आजू बाजू हवा को महसूस कर सकते हो. तो ये जो द्रव्य है, ये अब आप देख सकते हो कि जो गैस है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो स्थान भी घेरता है और उसमें वजन भी आप महसूस कर सकते हो. तो जो द्रव्य है ये तीन
पार्ट्स में हमने यहाँ पे डिवाइड किया है. पहला ठोस, आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो मुझे बाद में. फिर लिक्विड्स और गैसेस. अब आते हैं बच्चों रासायनिक वर्गीकरण पे. रासायनिक वर्गीकरण में द्रव्य जो है वो अगेन तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है, तत्व, यौगिक और मिश्रण. ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे रासायनिक वर्गीकरण में फिर से तत्व, यौगिक और मिश्रण. हम इस तत्व, यौगिक और मिश्रण को थोड़ा सा और एक्सपेंडेड वे में पढ़ेंगे. जैसे कि तत्व, अब बहुत सारी चीजें हैं, हाइड्रोजन का अणु है या नाइट्रोजन का अणु है, ऑक्सीजन का अणु है, बहुत सारे हैं, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन, ये जो सारे हमारे पास तत्व है, जिसमें मेंडेलीव ने बताए हैं, मोस्ले ने बताए हैं, ये जो सारी चीजें जो तत्व बताए हैं, ये सब क्या है, ये अणु है. जैसे कि आप स्टार्ट में देख सकते हो नाइट्रोजन का अणु, ऑक्सीजन का अणु आप देख सकते हो, और तत्व का जो घटक पदार्थ है वो एक ही होता है, और वह अर्थात वह स्वयं, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट्रोजन के ही सारे अणु हैं, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के ही सारे अणु हो गए, और तत्व के सभी परमाणु और अणु जो है वो एक समान होंगे, उसमें कुछ भी और अलग अणु या परमाणु नहीं होता है. तत्व के अणु में स्थित सभी परमाणु एक समान होते हैं और एक दूसरे रासायनिक बंधों से जुड़े हुए होते हैं. जबकि अब आते हैं यौगिक पे. द्रव्य का जो दूसरा वर्गीकरण है वो है यौगिक पे. जैसे कि पानी, पानी में आप हाइड्रोजन भी देख सकते हो, ऑक्सीजन भी देख सकते हो. अब जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, यानी कि नाइट्रोजन का अणु भी है और ऑक्सीजन का अणु भी है. जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन का अणु है, ऑक्सीजन भी है. तो यौगिक का वह घटक पदार्थ है जिसमें वह स्वयं एक यौगिक है, लेकिन यौगिक के सभी अणु समान होते हैं, अणु समान होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो परमाणु है, परमाणु यानी कि द्रव्य की सबसे छोटी इकाई, यानी कि उसके बाद आप और छोटा उसको नहीं कर सकते हो. तो यौगिक के जो अणु हैं उनके जो घटक हैं वो परमाणु दो प्रकार के हो सकते हैं या दो टाइप हो सकते हैं. जैसे कि पानी, पानी का जो अणु सूत्र है वो क्या है, H2O. H2 यानी कि हाइड्रोजन, O यानी कि ऑक्सीजन. तो यौगिक के घटक तत्वों का जो अनुपात है वो भी निश्चित होता है. यही हम आगे सीखने वाले हैं और इसी पे हम बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं. ये लाइन पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है यौगिक के घटक तत्वों का अनुपात जो है वो निश्चित है. ठीक है, जैसे कि पानी है उसमें H2O, तो जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है उनका अनुपात निश्चित है. अगर मैं उनका जो अनुपात है उसको बदल दूं तो वो पानी ना बनके कुछ और बन जाएगा. आप समझ रहे हैं मेरी बात. जैसे कि हम चाय बनाते हैं, ठीक है, उसमें सभी चीजों का अनुपात एकदम फिक्स होता है. आपको इतनी ही शक्कर डालनी है, आपको इतनी चाय पत्ती डालनी है, इतना ही दूध डालना है और इतना ही पानी डालना है. अगर आप चाय में सिर्फ दूध रखो, बाकी कुछ भी मत डालो, आपका अनुपात चेंज कर दो, तो क्या वो चाय बन जाएगी? नहीं, तो वो कुछ और ही बन जाएगा. बराबर. तो यौगिक जो होते हैं उनके घटक तत्वों का अनुपात बिल्कुल निश्चित होता है और यही हमारा आगे का भी टॉपिक है. ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. मिश्रण पहले देख लेते हैं. मिश्रण जो है उसमें आप देख सकते हो कि इसके जो घटक हैं, यानी कि इसके अंदर जो चीजें मिली हुई हैं, वो अणु हो वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं, और ये एक दूसरे से रासायनिक बंध से भी नहीं जुड़े होते. जैसे कि आप मिश्रण, आप सोच के रखना, मैं एक लेक्चर के बिल्कुल अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि तत्व के नाम बता दो, यौगिक के नाम बता दो या मिश्रण के नाम बताओ. ठीक है, अब मिश्रण का आप एग्जाम्पल ले सकते हो. जब आप बहुत ज्यादा धूप से आते हो घर पे, तो आप मम्मी को क्या बोलते हो, कि नींबू पानी बना दे, है ना, या नमक या शक्कर का पानी बना दो मम्मी. तो वो जो है मिश्रण है, उसमें आप देख सकते हो कि वो है बहुत जल्दी एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, बट वो रासायनिक बंध से जुड़े नहीं होते हैं. तो मिश्रण के जो घटक पदार्थों का अनुपात है वो बदल भी सकता है. जैसे कि उसमें आप थोड़ा सा ज्यादा नींबू डाल दो, बराबर, और मिश्रण में उसके घटक पदार्थों के गुणधर्म बने रहते हैं. आप थोड़ा सा ज्यादा शक्कर डाल दो नींबू पानी में, या थोड़ा सा ज्यादा नींबू डाल दो, इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं.
हमने ये द्रव्य का जो रासायनिक वर्गीकरण है इसको बहुत ही ध्यान से फिर से एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। तत्व, जो तत्व अर्थात घटक पदार्थ एक ही होता है और वह पदार्थ स्वयं वह तत्व होता है। फिर यौगिक, यौगिक में आप देख सकते हो कि सबसे जरूरी चीज जो है कि अणु और परमाणु जो होते हैं, परमाणु उनके घटक परमाणु दो या दो से अधिक प्रकार से एक दूसरे से दो या प्रकार की हो सकते हैं और एक दूसरे से रासायनिक बंध से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट जो है मिश्रण, तो मिश्रण का मैंने आपको बताया कि मिश्रण के घटक पदार्थों का अनुपात बदल सकता है और मिश्रण में उसके घटक पदार्थों के गुणधर्म जो है वो बने रहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, परमाणु का द्रव्यमान। जैसे कि बच्चों हमने देखा कि परमाणु सबसे छोटी इकाई, परमाणु सबसे छोटी इकाई है, तो परमाणु है क्या? ठीक है, परमाणु जो आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इस डायग्राम में आपको ये जो गोल सा निशान दिख रहा है, गोल सा जो चक्र जैसा या कक्षा जैसा दिख रहा है, उसके अंदर फिर आपको पिंक कलर के जो है आकृति वो दिख रही है, थोड़ी सी लाइट पिंक कलर की आकृति दिख रही है और एक लगभग छोटा सा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये जो है, ये जो परमाणु है इसका नाभिक यानी कि बिल्कुल सेंटर पोजीशन, तो इस नाभिक में दो चीजें हैं, एक है परमाणु, दूसरा है, एक है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये परमाणु के बिल्कुल सेंटर में यानी बिल्कुल नाभिक में होते हैं। ठीक है, और ये जो है प्रोटॉन ये होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, न्यूट्रॉन ये होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, सॉरी न्यूट्रॉन जो है वो अनावेशित यानी न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन जो होता है अनावेशित, और इन इस न्यूक्लियस के बाहर कक्षाएं बनी होती हैं, के एल एम एन इस तरह से कक्षाएं बनी होती है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, तो इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज वो इन कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ आपको, सबसे पहले परमाणु और परमाणु के बिल्कुल सेंटर के सेंटर में होती है नाभिक, नाभिक में होता है प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन जो होता है अनावेशित यानी न्यूट्रल, और उनके बाहर कक्षाओं में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर है, आप स्लाइड में देख सकते हो, परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में समाविष्ट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही उसका द्रव्यमान होता है, जो प्रोटॉन की संख्या होगी वही न्यूट्रॉन की संख्या होती है, और जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज समझो दो हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी दो ही होंगे लेकिन नेगेटिवली चार्ज होंगे, तो इसीलिए प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज ये दोनों जो है एक दूसरे को जो है कट करते हैं, और इसीलिए जो होता है परमाणु वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब यहाँ पर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो कहाँ है, परमाणु के नाभिक के अंदर, और अगर मैं उनकी संख्या को जोड़ दूं तो वो जो जोड़ होता है उसे कहते हैं परमाणु द्रव्यमानांक, यानी कि परमाणु का द्रव्यमान उसी से हमें मेजर कर सकते हैं। और इस परमाणु और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो परमाणु के अंदर हैं उसे एक और नाम दिया जाता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। देखो परमाणु, फिर से एक बार रिवाइज करती हूँ मैं, परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में समाविष्ट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही परमाणु का द्रव्यमान होता है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स यानी कि न्यूट्रल जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है, इनकी कुल संख्या जो है जिसे जोड़ दिया जाए अगर, तो वो हो गया आपका परमाणु द्रव्यमानांक यानी परमाणु का द्रव्यमान। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये आकृति आप देखिए बच्चों, ये परमाणु की ही आकृति है
लेकिन दूसरी, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि नाभिक, परमाणु का जो नाभिक है वहां पे ब्लू कलर के, समझो वो प्रोटॉन्स हैं, और रेड कलर के न्यूट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के अंदर, और ये जो कक्षाएं आपको दिख रही हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ये भी आप जानते हैं कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन्स, चौथी कक्षा में 32, इस तरह से जो है ये आगे बढ़ता जाता है। वापस से वही है, देखिए ये जो नाभिक में जो प्रोटॉन और अनावेशित न्यूट्रॉन है ये मूल कण है। अब आप परमाणु का आयतन जो है उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। जैसे परमाणु कक्षाओं की संख्या जितनी अधिक होगी उतना उसका आकार भी अधिक होगा। जैसे कि आप अपने स्कूल को समझिए, जैसे कि आपका स्कूल है और उसमें मैंने बताया कि बस 2 ही कक्षा है, तो 2 कक्षा बनाने के लिए आपको छोटी सी जगह चाहिए, तो आपकी जो आपका जो स्कूल होगा वो भी छोटा सा ही होगा। अब मुझे उसके अंदर 10 कक्षाएं बनानी है, तो जितनी जितनी कक्षाएं मैं बढ़ाते जाऊंगी उतना ही बड़ा आपका स्कूल होता जाएगा। बराबर समझ में आ रहा है बच्चों? तो कक्षाओं की संख्या परमाणु में जितनी ज्यादा होती जाएगी परमाणु का जो आकार है उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। और परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन है उसे क्या कहते हैं बच्चों? ध्यान से सुनना क्योंकि लास्ट में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके क्या बन गया? न्यूक्लियॉन या फिर परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, और इसी पे परमाणु का द्रव्यमान निर्भर करता है। नेक्स्ट है, अब आते हैं, ये तो हमने परमाणु के बारे में देखा, फिर देखते हैं यौगिक। अब यौगिक में आप देख पा रहे हो बच्चों, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया यौगिक के बारे में, मैंने आपको क्या क्या बताया था बताओ मुझे? यौगिक के बारे में मैंने आपको बताया था कि यौगिक जो है उसमें यौगिक के जो घटक तत्वों का अनुपात होता है वो निश्चित होता है। यानी कि अब जैसे आप देख सकते हो कि घर से बाहर अगर आप देखो तो मेरे यहाँ तो बारिश हो रही है, आई होप आपके यहाँ भी बारिश हो रही होगी, तो ये जो बारिश का पानी है इसे आप ले लो, या फिर नल का पानी उसे आप ले लो, या फिर जो आप केमिकल लैब में जो आप केमिकली जो पानी बना रहे हो उसे ले लो। अगर ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर आप समझिए उसमें कुछ और ना मिला हो, अगर ये प्योर वाटर है तो किसी भी स्रोत से अगर आप पानी लेते हैं, किसी भी स्रोत से आप पानी लेते हैं, तो उसमें आपको 2 ही यौगिक घटक मिलेंगे, उसमें आपको 2 ही यौगिक घटक मिलेंगे। कौन से घटक होंगे वो? या तो हाइड्रोजन होगा या फिर वो होगा ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसी से ही जो है आपका पानी बना हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो H2O, आप देख सकते हो H2O, राइट? तो ये जो H2O है, इस H2O में H यानी कि हाइड्रोजन, O यानी कि ऑक्सीजन, और इसका जो अनुपात है वो निश्चित है, इसका जो अनुपात है वो निश्चित है। इसमें जैसे कि 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो इसके रासायनिक संयोग से जो है 9 ग्राम का पानी बनता है। जैसे कि दूसरा यौगिक अगर मैं लू कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सी 2 चीजें मिली होंगी बच्चों? पहला तो एक कार्बन मिला होगा, राइट, दूसरा होगा ऑक्सीजन, राइट। कार्बन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान का अनुपात है वो भी सेम होगा, यानी कि 3:8, यानी कि सेम इन द सेंस फिक्स्ड है, उसको चेंज किया नहीं जा सकता। अगर चेंज करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कुछ और बन जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात जो है 3:8, 3:1, अर्थात अगर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लिया जा रहा है तो उसमें 12 ग्राम जो है कार्बन है और 32 ग्राम जो है ऑक्सीजन है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो पानी का जो डायग्राम बना हुआ है उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है रेड कलर और व्हाइट कलर, तो ये 2 अलग तरह से डिवाइड किया है। H के जो अणु है उसको अलग दिखाया गया है और O का जो अणु है उसको अलग दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं
देखो ये ऑक्सीजन, इसको और भी स्पेसिफाई करके दिखाया है मैंने। देखो ये हाइड्रोजन का अणु हो गया, दो हाइड्रोजन के अणु है H2, यानी कि डेफिनेटली हाइड्रोजन के दो अणु हो जाएंगे, राइट। और जो है, और ये जो ऑक्सीजन रेड कलर का, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्लाइड है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि पहला कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन, डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के दो अणु हैं और कार्बन, ये आप देख सकते हो ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन के दो अणु हैं, राइट। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक, इनकी जो मात्रा है, द्रव्यमान का जो अनुपात है वो बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट जो मैं आपको बता रही थी, स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम बच्चों, ये जो है आप डायग्राम देख सकते हो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्राउस्ट लॉ, इन्होंने सबसे पहले 1797 में ये पता लगाया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी कि स्थिर अनुपात का नियम। ये फ्रेंच वैज्ञानिक प्राउस थे, इन्होंने 1797 में ये नियम प्रतिपादित किया कि यौगिकों के विभिन्न नमूनों के घटक तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर होता है। जैसे कि किसी भी स्रोत से प्राप्त पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 ही होगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से 9 ग्राम पानी ही बनेगा। जैसे कि हमने इससे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का देखा था, तो जिनका अनुपात 3:8 होता है, यानी कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन है और 32 ग्राम जो है ऑक्सीजन रहेगा। तो ये जो नियम है स्थिर अनुपात का नियम, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों, पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि स्थिर अनुपात का नियम सबसे पहले तो प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया, 1797 में प्रतिपादित किया, और उन्होंने क्या बताया, यौगिक यानी हमने पानी सबसे छोटा एग्जाम्पल लिया, पानी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो यौगिक है इनके जो नमूने हैं, घटक जो हैं, तो पानी का घटक कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये जो घटक है इनका जो द्रव्यमान है इनका अनुपात हमेशा सदैव स्थिर होता है। बहुत ही सिंपल है इसको समझना कि यौगिकों के विभिन्न नमूनों के घटक तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करने के लिए इन्होंने क्या किया, अब अगर मैं आपको केमिकल रिएक्शन के हिसाब से समझाऊं, तो सबसे पहले देखो बच्चों, कॉपर कार्बोनेट यानी CuCO3 इसका उन्होंने विघटन किया, और कॉपर नाइट्रेट इसका विघटन किया। विघटन इन द सेंस कॉपर कार्बोनेट आप लो और उसको जलाओ, यानी कि हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, परख नली में लेते हैं उसको, और उसको हीट करते हैं तो उसका विघटन हो जाता है। तो उसके विघटन से हमको मिलता है कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर नाइट्रेट जो है उसका भी आप इसी तरह से विघटन करिए तो वहां से भी आपको मिलता है कॉपर ऑक्साइड। मैं आपको नेक्स्ट के स्लाइड में दिखाती हूँ। देखो ये रहा कॉपर नाइट्रेट, सबसे ऊपर वाला आप देख सकते हो कॉपर नाइट्रेट। अगर इसको जलाया जाए या इसको परख नली में विघटित किया जाए तो आपको चीजें मिलेंगी, कॉपर ऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये आपको मिलेगा। तो यहाँ से उन्होंने कॉपर ऑक्साइड को उठाया, दूसरे स्रोत से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पानी आप बहुत अलग नल का पानी ले लो, लेबोरेटरी में पानी बनाओ और फिर चेक करो कि इस पानी के अंदर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल रहा है उसका अनुपात द्रव्यमान है, उसे माया। तो अभी हम क्या चेक कर रहे हैं, इसी चीज को हम दूसरे तरीके से चेक कर रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड को हम पहली बार कहाँ से ले रहे हैं, कॉपर नाइट्रेट को जला कर ले रहे हैं, विघटित करके ले रहे हैं, दूसरी बार हम
अब ये जो ब्लैक पोर्शन में दिख रहा है कॉपर ऑक्साइड, देखो ये कहां से लिया मैंने, कॉपर कार्बोनेट से लिया, CuCO3 क्या हो गया, कॉपर कार्बोनेट। तो जब इसको विघटित किया, परख नली में लेना है, उसको जो है फ्लेम यूज करना है, हीट करना है, तो आपको मिलेगा कॉपर ऑक्साइड। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है, दोनों नमूने, पहला वाला और दूसरा वाला, इन दोनों को लिया गया, जो कि दो अलग अलग जगहों से लिए है, इस बात पे ध्यान देना है बच्चों। तो ये जो दो अलग अलग जगहों से लिए हैं, इनको फिर अलग से हाइड्रोजन के साथ संपर्क में लाया गया। आप तीसरे रिएक्शन में देखते हो कि कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ संपर्क में लाया जा रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कॉपर मिल रहा है कि नहीं बच्चों। तो ये जो कॉपर है, कॉपर और पानी दो चीज आपको मिल रहा है। इस कॉपर ऑक्साइड की अगर हाइड्रोजन से अभिक्रिया की है, फिर से ध्यान से देखो, तो आपको पहला चीज मिल रहा है कॉपर। कॉपर ये क्या हो गया, तत्व हुआ कि यौगिक हुआ, बताओ बच्चों। ओके ठीक है, लास्ट में पूछूंगी मैं, अभी आप ध्यान देना और लिख लेना कि मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है, कि कॉपर क्या है, तत्व है कि यौगिक है। और मैंने आपको तीनों डिवाइड करके बताया कि तत्व में अणु परमाणु क्या होते हैं, यौगिक में परमाणु अलग हो सकते हैं कि नहीं, और मिश्रण में तो डेफिनेटली होते हैं। तो कॉपर क्या है ये आपको बताना है। दूसरा तो पानी, हम तो ये जानते ही हैं कि वो यौगिक है, ठीक है, ऐसे दो पदार्थ हमको प्राप्त हुए। अब आप देखो कि ये जो कॉपर ऑक्साइड के जो अणु सूत्र है, इसके आधार पे जो तत्वों का जो है अनुपात हमको निकालना है। अब यहाँ पर जो दिया गया है कि तत्वों की जो ज्ञात परमाणु द्रव्यमानों का यहाँ पे उपयोग किया गया है, कॉपर और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जो है क्रमशः, कॉपर का जो परमाणु द्रव्यमान है, मैं आपको डायग्राम के साथ दिखाती हूँ, हमने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हम 10th में जब आप जाओगे तो बहुत ही डिटेल में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप पढ़ोगे, लेकिन उसके कुछ तत्व जो अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो मैंने यहाँ पे लाए हैं। देखो ये है ऑक्सीजन, आप देख सकते हो ऑक्सीजन, आप देख सकते हो बिल्कुल लेफ्ट साइड में, आप देखो यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट साइड में यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पे बिल्कुल मिडल में 15.999, ये जो 15.9 है इसको आप 16 कर दो, बराबर। तो ये जो 8 है वो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक हो गया बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके ऊपर बहुत फन एक्टिविटी हम करेंगे। तो ये जो ऑक्सीजन है इसका जो परमाणु क्रमांक है 8। परमाणु क्रमांक मतलब क्या, मैं आपको, आप वैसे जानते हो, आई नो आप बहुत ज्यादा स्कॉलर हो, आप सब जानते होगे, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन्स की संख्या इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और इज इक्वल टू परमाणु क्रमांक। क्लियर हुआ बच्चों, फिर से बता रही हूँ एक बार, प्रोटॉन्स की संख्या, जैसे कि स्टार्ट में हमने जो पीपीटी में देखा कि प्रोटॉन्स और जो परमाणु के अंदर कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और परमाणु के बाहर कक्षाओं में कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, दोनों की संख्या होती है बिल्कुल बराबर, और ये जो संख्या है वो क्या है, परमाणु क्रमांक, यानी कि ऑक्सीजन में परमाणु प्रोटॉन्स जो है 8 होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो 8 है। क्लियर हुआ। अब नीचे आ गया परमाणु द्रव्यमानांक, तो ये 16 कैसे हो गया, तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि इसके अंदर जो परमाणु द्रव्यमानांक क्या होता है, प्रोटॉन्स की संख्या प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या जो होती है वो परमाणु द्रव्यमानांक होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का है परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु द्रव्यमानांक आप इसको 16 लो। तो यहाँ पे दूसरा एक जो डिस्कस हो रहा है, आप देख सकते हो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का तो हमको पता चल गया, अब कॉपर की बारी है। तो ये देखो कॉपर, अब आप बड़े ही आसानी से मुझे बता सकते हो कि कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 29, जो कॉर्नर में सबसे लेफ्ट में लिखा है, और इसका जो द्रव्यमानांक होगा 63.546। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे वाली स्लाइड में जो लिखा है कि कॉपर और ऑक्सीजन इसका जो भारात्मक अनुपात है वो 63.5:16। तो इसका द्रव्यमानांक उठाया है कॉपर का और 16 उठाया है ऑक्सीजन का। अब यहाँ से 63.5 को जो है इन्होंने ऑलमोस्ट 64 लिया है, तो आप जानते हो 16 × 64, यानी कि इसको और डिवाइड किया गया और ये हो गया 4:1, यानी कि 4:1, यानी कि 4:1। तो इस प्रयोग द्वारा भी ये सिद्ध हुआ कि घटक तत्व के द्रव्यमान का जो अणु
सूत्र है वो बिल्कुल ही सेम होगा, चाहे आप कहीं से भी कॉपर ऑक्साइड लो। एक और चीज रह गया था जो हमारा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तो आप जानते हो सबसे ही इम्पोर्टेंट है और सबसे पहला है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये सबसे पहला तत्व, ठीक है, तत्व। ये जितने अभी आप देख रहे हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कॉपर, ये सारे क्या हैं? तत्व है, यानी कि इनके अणु जो है वो बिल्कुल समान है। तो हाइड्रोजन का आप जो देख सकते हो भार 1.008 और हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक आप देख रहे हो वो भी है 1। नेक्स्ट स्लाइड में अब अगर ये जो फन एक्टिविटी मैं आपको बता रही थी, आप उसमें मुझे बताइए कि ये है ऑक्सीजन। अच्छा, जो जो मुझे आंसर देना चाहेंगे वो ही हैंड रेस करेंगे, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन है और आपने मुझे बताना है कि इस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा। हेलो हेलो टीचर, हाँ हाँ बताओ, कौन कौन बोल रहा है बताओ। टीचर मैं। टीचर मैं, ओके। हाँ तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या बताया था मैंने बच्चों, बताओ। 8। ओके, और परमाणु द्रव्यमानांक, परमाणु द्रव्यमानांक 15.999। हाँ, 15, अच्छा 15.999। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, 15.99 और 15.99, तो ऑलमोस्ट 16 हो गया, बराबर ना। अच्छा, yes. फिर मैंने एक और चीज बताई थी कि परमाणु क्रमांक मतलब क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक बराबर रहेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन। हाँ, वेरी गुड, यानी कि प्रोटॉन्स का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू परमाणु क्रमांक, बराबर। यस, ओके ओके। अब आप मुझे बताओगे परमाणु द्रव्यमानांक मतलब क्या, परमाणु द्रव्यमानांक देखो सबसे पहले परमाणु, ठीक है, उसके अंदर नाभिक, नाभिक में कौन कौन रहते हैं बताओ। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स पे, प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज, प्लस का, और न्यूट्रॉन्स पे माइनस, नहीं बिल्कुल नहीं, जीरो, कोई भी अनावेशित, अनावेशित यानी उसके ऊपर भी, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, नहीं। तो परमाणु द्रव्यमानांक मतलब, हाँ परमाणु द्रव्यमानांक मतलब कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कुल संख्या, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कुल संख्या, ठीक है। अब जैसे इसको देखो, न्यू एक्टिविटी है ये, आपको एक आकृति दिखाई जाएगी और आप मुझे बताना कि उसका क्या नाम है, ओके। यस, तो ये है, ओके, तो ये जो पहली आकृति है इसका नाम क्या है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, रॉन्ग, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, यस टीचर, वेरी गुड। आप देख सकते हो कि ये कक्षाओं में घूम रहा है, सबसे बड़ी कक्षा में घूम रहा है और उसके ऊपर लिखा है नेगेटिव चार्ज, है ना, है कि नहीं, दिख रहा है बच्चों? यस हां टीचर, ओके ठीक है। तो ये हो गया अपना कौन, इलेक्ट्रॉन, ओके। नेक्स्ट जो है ये कौन आया बताओ, प्रोटॉन, वेरी गुड, प्रोटॉन्स परमाणु के नाभिक में स्थित है। अब ये कौन है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, अगेन आप देख सकते हो ये जो है इलेक्ट्रॉन, राइट, और ये प्रोटॉन। नेक्स्ट अगेन जो तीसरी फन एक्टिविटी है जो हम देखेंगे, तत्व। अच्छा, मैंने आपको एक और क्वेश्चन पूछा था ये कॉपर के बारे में, यस, ये जो कॉपर है ये क्या है, तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है? तत्व है, तत्व है, वेरी गुड वेरी गुड। अब इस तत्व का परमाणु क्रमांक बताओ मुझे, मैंने आपको बताया था 29, ओके वेरी गुड, परमाणु क्रमांक 29। अब इसका परमाणु द्रव्यमानांक बताओ,
परमाणु द्रव्यमान 63.546. ओके वेरी गुड 63 पकड़ लो उसको ठीक है. नेक्स्ट है बच्चों, अभी जैसे आप देख सकते हो ये, हाँ 63.546 ठीक है. तो ये जो हमने अभी पढ़ा स्थिर अनुपात का नियम, ये जो पढ़ा हमने स्थिर अनुपात का नियम, इसमें जो प्राउस्ट थे इन्होंने स्थिर अनुपात का नियम बताया था. एक और वैज्ञानिक थे जो एंटोनी लवाजिए, ये फ्रेंच वैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है आधुनिक रसायन शास्त्र, इन्हें जो है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता था. रसायन शास्त्र की तरह जीव शास्त्र, अर्थशास्त्र और वित्त शास्त्र के क्षेत्रों में भी इनका बड़ा योगदान था. ये थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की और उसका नामकरण किया. इन्होंने सिद्ध किया, जैसे कि हम अभी जानते हैं, अभी हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है ये ज्वलन में पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है. रासायनिक प्रयोग में अभिकारकों और उत्पादकों के द्रव्यमान अचूक ज्ञात करने की जो पद्धति है वो भी सर्वप्रथम जो है वो एंटोनी इन्होंने ही बताया था. पानी जो कि हमने देखा H2O, आप देखो यहाँ पे पानी, ये H2O जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है. ये भी जो है फ्रेंच वैज्ञानिक एंटोनी ने ही इसकी खोज की. रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान स्थिर होता है, स्थिर रहता है, इस नियम का भी सर्वप्रथम लेखन उन्होंने ही किया. यौगिकों को उन्होंने उचित नाम दिए, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल, कॉपर सल्फेट, अभी आपने देखा हमने कॉपर नाइट्रेट देखा, कॉपर कार्बोनेट देखा, कॉपर ऑक्साइड देखा. तो ये सारी चीजें जो है वो इसका श्रेय जाता है, जो जिसको जाता है वो है एंटोनी फ्रेंच वैज्ञानिक. और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे कि अभी हमने देखा कि स्थिर अनुपात का नियम, वैसे ही एक और चीज है द्रव्य की अविनाशिता का नियम, द्रव्य की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर. अभी ये जो है ये भी जो है एंटोनी जो फ्रेंच वैज्ञानिक थे इन्होंने 1785 में जो है इन्होंने ये संशोधन करके निष्कर्ष किया था कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, रासायनिक अभिक्रिया, जैसे रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया में आप क्या समझते हो, ये मैं वापस से क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे बताना. रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि जो भी आपका अभिकारक पदार्थ है, अभिकारक पदार्थ यानी कि जिससे रासायनिक अभिक्रिया होने वाली है, और दूसरा होता है उत्पाद यानी कि जिससे रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है. जैसे कि आप छोटा सा एग्जाम्पल चाय बनाने का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है. तो चाय बना रहे हो आप, तो ये जो दूध है, शक्कर है, पानी है, ये सारे क्या है, अभिकारक है. यानी कि जब हम इनको मिलाएंगे और जो रासायनिक अभिक्रिया होगी तो चाय बनेगा, बराबर है. तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया हुई, अब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इस चाय का वापस तुम दूध अलग करके दो, पानी अलग करके दो, चाय पत्ती अलग करके दो, शक्कर अलग करके दो, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. तो जब उत्पाद जो है वो पूरी तरह से बदल गया है और वापस से अभिकारक नहीं बनाया जा सकता, तो वो अपनी रासायनिक अभिक्रिया हो गई. और भौतिक अभिक्रिया क्या है, जैसे कि है पानी, इसको मैंने फ्रीजर में रख दिया तो ये बर्फ बन जाएगा, फिर फ्रीजर से बाहर निकाला तो फिर से पानी बन जाएगा, करेक्ट है. और अगर मैं इसको गर्म कर दूं तो वो भाप बन जाएगा, और अगर उसी भाप को मैं फिर से इकट्ठा करके ये करूं, इकट्ठा करूं, तो वो वापस से मुझे पानी मिल जाएगा. तो ये जो गोल गोल हो रहा है, पानी का बर्फ बनना, फिर से बर्फ का पानी बनना, भाप बनना, फिर से भाप का पानी बनना, तो ये जो है भौतिक क्रिया हो गई. क्योंकि जब एक बार क्रिया होने के बाद वापस से मैं उस क्रिया को अभिकारक में बदल सकती हूँ. जैसे आम का पकना, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई. दूध का दही बनना, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई. तो एंटोनी लवाजिए जो है इन्होंने जो नियम प्रतिपादित किया उसमें उन्होंने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया होते समय द्रव्य के द्रव्यमान में वृद्धि या कमी नहीं होती है. यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों, जैसे मैंने बताया कि आपको चाय में अभिकारक कौन हो गए, दूध दही, सॉरी दूध पानी चाय पत्ती, ये सारे अभिकारक हो गए.
तो उनका जो कुल द्रव्यमान है, उनका जो कुल वजन है, वो रासायनिक अभिक्रिया निर्मित होने के बाद, यानी कि एक बार रासायनिक अभिक्रिया निर्मित हो गई, उसके बाद जो नई चीज बनी, यानी कि जो उत्पाद बना है, यानी कि जो प्रोडक्ट बना है, उसका कुल द्रव्यमान समान होगा। तो ये जो है, ये हो गया द्रव्य की अविनाशिता का नियम। फिर से एक बार आपको बता रही हूँ, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया में फर्क है। भौतिक अभिक्रिया का अर्थात है कि जो अभिकारक हैं वो, और जो उत्पाद हैं, एक बार उत्पाद जो बन गया है, उससे वापस से आप अभिकारक प्राप्त कर सकते हैं, बराबर है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया अर्थात एक बार जो उत्पाद बन गया, जैसे कागज है, कागज को आपने जला दिया, ठीक है, वो राख बन गया, अब उस राख से आप वापस से कागज नहीं बना सकते हो। जैसे कि भौतिक अभिक्रिया अगर आप लो, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पानी का बर्फ बन गया, जैसे कि आप पानी में मिट्टी को मिला दो, ठीक है, ये आपने मिश्रण बना लिया, उसके बाद में अगर वापस से आप पानी को जला दो या मिट्टी को छान लो, तो दोनों चीजें फिर से अलग हो जाएंगी। जैसे कि आप लोहे में गंधक मिला दो, तो इसको आप कैसे अलग कर सकते हो, फिर से आप चुंबक ले जाओ, लोहे और गंधक के मिश्रण पे आप घुमाओ, तो जितना लोहा होगा वो चुंबक पे चिपक जाएगा और गंधक जो है वो अलग हो जाएगा, तो फिर से ये भौतिक अभिक्रिया हो गई। तो जो एंटोनी लवाइजी, इन्होंने जो द्रव्य की अविनाशिता का नियम बताया वो ये है कि मूल द्रव्य का द्रव्यमान रासायनिक परिवर्तन से निर्मित हुए द्रव्यमान समान होता है। रासायनिक अभिक्रिया होते समय द्रव्य के द्रव्यमान में वृद्धि या कमी नहीं होती है। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और रासायनिक अभिक्रिया से निर्मित होने वाले जो उत्पाद है उनका कुल द्रव्यमान बिल्कुल सेम होता है। इसे ही कहते हैं द्रव्य की अविनाशिता का नियम। जैसे कि मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया बताया और बार बार अभिकारक और उत्पाद का नाम लिया जा रहा है, तो आप जानते हो कि रासायनिक अभिक्रिया लिखते कैसे हैं। आप जानते हो कि सबसे पहले, जैसे कि आप ये देखो, ये स्लाइड, हाँ, ये देखो रासायनिक अभिक्रिया हो गई। यहाँ पे जो मैंने आपको बार बार बताया, समझो आप सबसे पहले ले रहे हो कॉपर नाइट्रेट, इसका विघटन किया गया है, तो ये कॉपर ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में जो है इसका विघटन हो गया है, ये विघटन अभिक्रिया हो गई। तो इस अभिक्रिया में आप देख सकते हो, आप मुझे बता सकते हो कॉपर नाइट्रेट जो है वो अभिकारक हो गया, अभिकारक यानी इसी से जो है रासायनिक अभिक्रिया होनी है, और कॉपर ऑक्साइड जो है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है और जो ऑक्सीजन है, ये सारे क्या हो गए हैं, ये सारे उत्पाद हो गए हैं, बराबर। अब जैसे कि ये वाला है कॉपर कार्बोनेट, तो ये जो कॉपर कार्बोनेट है ये अभिकारक हो गया है, ये पूरी रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस कॉपर कार्बोनेट में ये जो है ये पार्ट, ये अभिकारक हो गया है, और कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों जो है वो उत्पाद हो गया। तो जितना कॉपर कार्बोनेट का द्रव्यमान होगा और जितना कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान होगा रासायनिक अभिक्रिया के बाद, तो इनका जो द्रव्यमान होगा वो बिल्कुल ही समान होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये दो मिलकर कॉपर और वाटर, कॉपर और पानी, ये एक तत्व, और कॉपर तत्व और पानी जो है यौगिक बना रहे हैं। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इनका जो द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान कॉपर और पानी का भी होगा। नेक्स्ट जो है, मैंने आपको परमाणुओं का द्रव्यमान के बारे में सारी चीजें बताई है, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। आप ये स्लाइड में देख सकते हो, यस, यहाँ पर परमाणुओं का द्रव्यमान जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये हो गया है, ओके। ठीक है बच्चों, आप बताइए, अब आप बताइए, कुछ पूछना है आपको? हेलो, हेलो, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो बच्चों मुझसे। नहीं,
आपको सब समझा है, सारी चीजें समझी है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सब के बारे में समझा है? यस मिस। ओके अच्छा, फिर आप मुझे एक चीज, मैं आपको एक चीज पूछती हूँ, ठीक है? जैसे परमाणु के बारे में बात की हमने, ठीक है, तो अब एक और नाम है संयोजकता। संयोजकता आप बताओ कौन है संयोजकता? कौन है संयोजकता बताओ मुझे, आप बताओ, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी, कोई टेंशन की बात, टेंशन की बात नहीं है। संयोजकता, जैसे कि मैंने परमाणु के बारे में बताया, ठीक है, हाँ, तो अब इसके जैसे ये परमाणु है, अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एक और है, एक और नाम है संयोजकता। आप मुझे बताओ संयोजकता क्या है, कोई भी आइडिया? मतलब हाँ हाँ, संयोजकता नाम कब, नाम कभी सुना है, नाम सुना है कभी संयोजकता? यस मिस, एट्थ में था। एट्थ में था, हिस्ट्री में तो नहीं सुना है? नहीं, साइंस में। अच्छा, हिस्ट्री में भी सुना होगा। एनीवेज, साइंस का देख लेते हैं पहले। हाँ मैं बताती हूँ, संयोजकता जैसे कि मैंने आपको बताया कि परमाणु और इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हमने की, ठीक है, अब हम लेते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। ऑक्सीजन में आप देखोगे कि उसका परमाणु क्रमांक है 8, ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8, और मैंने आपको बताया कि पहली कक्षा होती है, दूसरी कक्षा होती है, तीसरी कक्षा होती है, चौथी कक्षा होती है, और मैंने आपको ये भी बताया कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जबकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अब कितने बचे, अब कितने बचे बताओ बच्चों? 6, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इस तरह इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई टोटल 8। अब पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जिसे बोलते हैं ड्यूप्लेट, ड्यूप्लेट। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बराबर। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात अगर हम करें, तो दूसरी कक्षा में हमारे पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, एक्चुअली होने कितने चाहिए 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है, 2, बराबर। तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वो कितनी हो गई, 2, यानी कि जो भी तत्व है उसकी बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या उसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, वो उसकी संयोजकता हो जाती है। जैसे कि जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि हाइड्रोजन, चलो सबसे इजी ले लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में आप देखो, इधर मैंने दिखाया है, एक सेकेंड, ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन जो है इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, हर जगह रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील होता है। इसकी बाह्यतम कक्षा, बाह्यतम कक्षा यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी बाह्यतम कक्षा भी एक ही होगी, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत रिएक्टिव है, किसी से भी रिएक्शन करता है, तो इसे अपना जो बाह्यतम कक्षा है पूर्ण होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि या तो ड्यूप्लेट हो यानी कि 2, या फिर अष्टक पूर्ण करे यानी कि 8। तो ये जो हाइड्रोजन है इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपनी अपना जो निष्क्रिय स्टेट में आने के लिए, या किसी से रिएक्शन करने के लिए, या ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और होगी। जैसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। अगर मैं इसी समूह के एक और तत्व की बात करूं, जैसे कि सोडियम, सोडियम भी बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है 11, कितना है बच्चों, 11। तो अब अगर हम उसको अब डिवाइड करते जाएं, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैं बताती हूँ, आप बताना चाहोगे कैसे होगा ये सोडियम का
सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, ठीक है मैं बताती हूँ। सोडियम ये समूह एक का तत्व है, सोडियम इसका जो परमाणु क्रमांक है 11, यानी कि पहली कक्षा में कितने हो सकते हैं, पहली कक्षा में दो, बराबर, क्योंकि दो ही हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो ही नहीं सकते। आप इसको ऐसे समझिए जैसे आपका स्कूल है और उसमें चेयर है, सिर्फ 10 चेयर है, तो उसमें कितने बच्चे बैठेंगे, 10 ही बैठेंगे, 10 से ज्यादा बैठ नहीं सकते। अगर 10 से ज्यादा बिठाने हैं तो हमको दूसरी कक्षा में भेजना होगा। दूसरी कक्षा में जो है समझो 8 बैठ सकते हैं, तो अब 8 जब बैठ सकते हैं तो 8 से कम हो सकते हैं, लेकिन 8 से ज्यादा अगर बिठाने हैं बच्चे तो तीसरी कक्षा में उनको भेजना होगा। तो सोडियम जो है उसकी पहली कक्षा में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब कितने बचे, दूसरी कक्षा में कितने बैठेंगे, 8। तो देखो पहली कक्षा में 2 बैठ गए, दूसरी कक्षा में 8 बैठ गए, तो 8 और 2 कितने हो गए, 10। अब एक अकेला इलेक्ट्रॉन बचा है जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, तीसरी कक्षा बनानी पड़ेगी, क्योंकि ना तो वो पहली कक्षा में एडजस्ट होगा ना दूसरी कक्षा में। जनरली हम स्कूल में क्या करते हैं, एक बच्चे को एडजस्ट कर लेते हैं ना, उसके लिए अलग से कक्षा नहीं बनाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ तत्वों में इस तरह से नहीं चलेगा, उस एक इलेक्ट्रॉन को तीसरी कक्षा में जाना पड़ेगा। तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो संरूपण होता है वो सोडियम का कैसे लिखा जाता है, 2, 8, 1, यानी पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये सोडियम जब किसी से रिएक्शन करता है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो सामने वाले तत्व को दे देता है, तो उससे क्या होता है, उसकी वो कक्षा समाप्त हो जाती है और उसकी दो ही कक्षा बनती है 2, 8। तो वो जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो सोडियम की संयोजकता हो जाती है, ठीक है। तो ये एक नया वर्ड, वैसे तो आप जानते थे पहले से, जस्ट मैंने रिवाइज कराया आपको, कि संयोजकता अर्थात क्या हो गया कि तत्व के बाह्यतम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन है अपना ड्यूप्लेट या अष्टक कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है उसे ही उसकी संयोजकता कहते हैं, ठीक है बच्चों। और आप बताओ, जो भी मैंने आपको पढ़ाया अभी उसमें आपको क्या और जानना है, कुछ स्थिर अनुपात का नियम देखा हमने, फ्रॉस्ट लॉ देखा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और कुछ आपको जानना है तो बताओ बच्चों। इसमें कुछ डाउट आ रहा है आपको, परमाणु के बारे में डाउट आ रहा है कुछ, तो आप पूछ सकते हो मुझसे। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो मुझसे। नहीं, मिस, मेरी चार्जिंग खत्म हो गई 1%। हेलो मिस। हाँ बोलो बेटा। मिस मुझे नियॉन के बारे में जानना था। नियॉन, नियॉन जो है बेटा ये 18 समूह, देखो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है उसमें कितने समूह होते हैं, 18 समूह होते हैं और 7 आवर्त होते हैं, ठीक है। तो नियॉन जो है वो 18 समूह का दूसरा तत्व है, नियॉन, उससे पहले है हीलियम। तो नियॉन जो है ये निष्क्रिय तत्व है या आदर्श गैस है या शून्य समूह है, बहुत सारे नाम है इसके। और नियॉन का जो परमाणु क्रमांक है वो जो है 10 है, नियॉन का परमाणु क्रमांक जो है 10 है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है कि 10 अगर आप डिवाइड करो तो ये पहली कक्षा में कितने जाएंगे, 2, दूसरी कक्षा में कितने बचे, 8, ठीक है। तो ये 2 और 8 टोटल हो गए 10, यानी कि इसकी पहली कक्षा भी पूरी तरह से पूर्ण है इलेक्ट्रॉनों से, इसकी दूसरी कक्षा भी पूरी तरह पूर्ण है इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉनों से, यानी कि इसका अष्टक पूरी तरह से कंप्लीट है। इसका अष्टक जब पूरी तरह से कंप्लीट है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 18 समूह के इलेक्ट्रॉन्स, पहला हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ये जो सारे हैं ये सब क्या करते हैं, ये निष्क्रिय होते हैं, ये ना किसी से लेना ना किसी से देना। जैसे आपको क्लास में कुछ बच्चे दिखाई देंगे जो पूरे अपने ही अपने आप में गुम होते हैं, ना किसी से इंटरैक्शन करते हैं ना कुछ, राइट। तो ये जो 18 समूह है ये बिल्कुल वैसा ही ग्रुप है, शून्य समूह है, निष्क्रिय है, आदर्श गैसे हैं। ये किस लिए निष्क्रिय है मैंने आपको बताया, क्योंकि इनकी बाह्यतम कक्षा पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरी होती है,
इनको ना कोई इलेक्ट्रॉन किसी को देने की जरूरत होती है, ना कोई इलेक्ट्रॉन किसी से लेने की जरूरत होती है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ही नहीं लेते। तो ये 18 समूह का दूसरा है। अगर जैसे मैं पहला बताऊं हीलियम के बारे में, हीलियम ये भी निष्क्रिय गैस है, आदर्श गैस है, शून्य समूह है। हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 2, ठीक है। तो 2 अर्थात इसका जो बाह्यतम कक्षा है वो पूर्ण रूप से ड्यूप्लेट कंप्लीट है, यानी कि इसकी बाह्यतम कक्षा जो है वो इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण रूप से भरी है। तो इसे एक भी इलेक्ट्रॉन न देने की जरूरत है किसी को, न किसी को एक इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, इसलिए ये आदर्श गैसें कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, हेलो, और जो मैंने पढ़ाया उसमें से कुछ पूछ सकते हो बच्चों आप लोग? टीचर परमाणु के बारे में बताइए ना। परमाणु के बारे में फिर से बताती हूँ। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको मैं। हाँ, ये वाला स्लाइड दिख रहा है बच्चों? ये वाला स्लाइड दिख रहा है? यस मैम। हाँ, तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे सबसे पहले तो अपना द्रव्य से चालू हुआ था कि द्रव्य जो है उसकी सबसे छोटी इकाई, उसको जैसे किसी भी चीज को तोड़ते जाओ, जैसे चौक है, चौक तोड़ते जाओ, फिर एक टाइम ऐसा आएगा इतना, जैसे नमक होता है ना, नमक वैसा चूरा बन जाएगा, बराबर है। तो अब उस नमक को कैसे तोड़ोगे? तो जो सबसे छोटी इकाई हो गई वो हो गई अपना परमाणु, इससे ज्यादा तोड़ ही नहीं सकते, ठीक है, एकदम मतलब अब और क्या तोड़ना, ऐसा हो जाता है। तो ये जो परमाणु है इसके अंदर अब क्या क्या रह गया? तो इसके अंदर, परमाणु के अंदर सबसे ज्यादा, सबसे जो सेंटर में है वो होता है नाभिक, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में 2 लोग रहते हैं। पहला जो है वो है वो प्रोटॉन, उसका नाम है प्रोटॉन। दूसरा जो है उसका नाम है न्यूट्रॉन, ठीक है, और तीसरा जो है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो एक ही घर में रहते हैं, उस घर का नाम क्या है? नाभिक, यानी कि न्यूक्लियस, बराबर। तो ये जो प्रोटॉन है वो धन आवेशित होता है। ये सारे, ये तीनों क्या है? उप परमाणविक कण है, परमाणु के उप परमाणविक कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ये जो प्रोटॉन है यह परमाणु के नाभिक में स्थित धन आवेशित है, और ये जो है ये प्रोटॉन को पी अक्षर से दिखाते हैं, पी, कैपिटल पी, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, प्रोटॉन को पी, न्यूट्रॉन को एन और इलेक्ट्रॉन को ई। प्रत्येक प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, और ये जो धन आवेश होता है इसका अगर मेजरमेंट आपको करना है तो वो होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, इतना आवेश उसके ऊपर, इतना धन आवेश उसके ऊपर होता है। और जो मैंने बताया कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और वही बराबर होती है परमाणु में, परमाणु के नाभिक की प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो संख्या बराबर होती है परमाणु क्रमांक के। यानी कि अगर 2 प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, तो 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे नेगेटिवली चार्ज, और उस परमाणु का परमाणु क्रमांक होगा 2। अगर परमाणु क्रमांक है 2 तो वो तत्व कौन सा होगा, जल्दी से बता दो मुझे। परमाणु क्रमांक अगर 2 है, अब भी मैंने जस्ट तत्व का नाम बताया, चलो मैं ये बता देती हूँ, हीलियम, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटॉन के बारे में। अब न्यूट्रॉन के, न्यूट्रॉन पे आते हैं। जो जिस नाभिक वाले घर में 2 लोग रहते हैं ना, एक प्रोटॉन रहता है एक न्यूट्रॉन रहता है, तो अब न्यूट्रॉन पे आते हैं। तो न्यूट्रॉन जो है ये विद्युत आवेश की दृष्टि से उदासीन होता है, इसीलिए उदासीन उप परमाणविक कण है, इसीलिए इस पे कोई भी आवेश नहीं होता है। और इसे जो है N शब्द से, N इस संकेत से दर्शाते हैं। U जो है ये परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन का अपवाद छोड़कर बाकी सभी तत्वों के परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, और ये करीब करीब प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होते हैं। यानी प्रोटॉन का जितना वजन होता है उतना ही वजन न्यूट्रॉन का भी होता है। अब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए जो परमाणु के नाभिक के अंदर की बात हो गई, ये क्लियर हो गया। अब एक और है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वो जो परमाणु के नाभिक में बिल्कुल नहीं है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ में नहीं है, ये इनके घर के बाहर कक्षाएं घूमती रहती है, बहुत सारी कक्षाएं,
जैसे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा ऐसे भी बोल सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर इसको पहली कक्षा को K से लिखते हैं, दूसरी कक्षा को L से लिखते हैं, तीसरी कक्षा को M से लिखते हैं, चौथी कक्षा को N, K, L, M, N. इन कक्षाओं में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घूमते रहते हैं. तो इलेक्ट्रॉन जो है ये ऋण आवेशित उप परमाणविक कण हो गया इलेक्ट्रॉन्स, और वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं ई माइनस से उसे दिखाते हैं. और इसके ऊपर कितना ऋण आवेश रहता है तो आप दिखा सकते हो माइनस वन ई. और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान से 1800 गुना कम होता है. तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है उसको बिल्कुल ना के बराबर गिना जाता है, मतलब ये बिल्कुल नहीं, इसी बिल्कुल ना के बराबर है. इसीलिए जो परमाणु है उसका एक्चुअल वजन किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दिया जाता है तो उसकी संख्या, बोला है ना परमाणु द्रव्यमानांक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब मैंने जोड़ा तो मुझे क्या मिला, परमाणु द्रव्यमानांक. परमाणु द्रव्यमानांक अर्थात परमाणु का एक्चुअल वजन, कितना उसका वेट है. क्यों उन दोनों पे डिपेंडेंट है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है उसका द्रव्यमान बिल्कुल ना के बराबर होता है. तो एक और पॉइंट, लास्ट एक और पॉइंट, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड बराबर, और इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिवली चार्ज, ये फिक्स हो गया. दूसरा, जितना प्रोटॉन है, 2, 4, 6 जितना है, उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन भी होगा. अगर ये प्रोटॉन 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी 2, प्रोटॉन 4 है तो इलेक्ट्रॉन भी 4. इसीलिए पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसल या इक्वल करते हैं, इक्वलाइज करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं. इसीलिए परमाणु नाभिक के बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या केंद्रक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, और इसीलिए विद्युत आवेशों का संतुलन होकर परमाणु जो है वो विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होता है. अभी इलेक्ट्रॉनों का वितरण भी मैंने आपको बता दिया कि जो है जो कवच जो होते हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, इसको कवच नाम भी दिया जाता है, और इसे एन शब्द से दर्शाया जाता है. और इस एन शब्द को आप पहली 1, 2, 3, 4 से लिखो, या के एल एम एन इससे लिखो. ठीक है बच्चों, समझा बेटा? होप आपको सारी चीजें समझी, क्लियर हुई जो मैंने समझाया, यस और नो बोलो. हेलो हेलो हेलो, जवाब दो बच्चों, सब समझा है आप लोगों को? ओके ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम वापस मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में. ठीक है बच्चों.